आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। मैं हूं भास्कर सर। जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि इस चैनल के थ्रू आपकी जो क्लासेस है जीएनएम की, फार्मासिस्ट की, ये क्लासेस भी चल रही हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस पर डिस्कशन भी हो रहा है। तो आज का जो डिस्कशन है वो एलोपैथी के ऊपर है। जैसे आप पहले 4 क्लासेस कर चुके हैं एलोपैथी की, उसी तरह से जो अभी की जो क्लास है वो भी एलोपैथी की है। और इसके बाद से मैं फिर आयुर्वेदिक ड्रग के बारे में भी आपको इंट्रो दूंगा, आयुर्वेदिक ड्रग के बारे में भी समझाऊंगा। एक एक ड्रग मैंने अलग अलग पार्ट में मैंने आपको बताया है, उसका यूज भी आयुर्वेद में बता दिया है। आज की जो क्लास है एलोपैथी की है और आज का जो टॉपिक है वो सभी टॉपिक से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। तो जितने भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप कमेंट करेंगे और आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता या कन्फ्यूजन है, समझने में दिक्कत है, तो आप हमको कमेंट कीजिए, मैं आपकी सारी दिक्कत को सॉल्व करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है, मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो जो भी एलोपैथी दवा है उसको हम डायरेक्टली उसके सुफिक्स नेम से ही जान सकते हैं। जो मेडिसिन है उनके सुफिक्स नेम से हम जान सकते हैं कि वो दवा है क्या, किस काम में आती है। मैं एग्जाम्पल भी देते जाऊंगा, सारी चीजों को मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है, कौन सी दवा है, कैसे यूज करेंगे। सुफिक्स मतलब कोई भी दवा अगर हम उसका सुफिक्स जानते हैं, मैं आपको उसका सुफिक्स नेम से बता दूंगा, आप डायरेक्टली जान सकते हो वो दवा किस काम में आती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप सुफिक्स नेम से ही जान जाएंगे कि दवा किस काम में आ रही है। तो एग्जाम्पल भी मैं दूंगा और सभी चीज भी बताऊंगा, या जो डिफिकल्टी है, जो दिक्कत है, उसमें आप कैसे यूज करेंगे इस दवा को, ये क्या, कौन सी दवा किस डिफिकल्टी में यूज किया जाता है, किस डिजीज में यूज करते हैं, कौन सी दिक्कत है उसमें पेशेंट को दिया जाता है, ये सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए पहला जो एग्जाम्पल है वो मैं दे देता हूँ। जो पहली जो दवा है, अगर कोई भी दवा है उसके साथ अगर केन जुड़ा है, केन सुफिक्स में अगर केन जुड़ा है, तो ये जो होता है एनेस्थेटिक ड्रग होता है। ये कौन सी ड्रग होती है? एनेस्थेटिक ड्रग, ध्यान से आप देखिएगा। तो जिनके साथ केन जुड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे? एनेस्थेटिक ड्रग। जैसे नाम में अगर हम देख लें तो जाइलोकेन, जाइलोकेन उसी तरह से बेंजोकेन, लीडोकेन, ये सारे एग्जाम्पल हैं लिडोकेन। तो जाइलोकेन, बेंजोकेन, लिडोकेन, 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। ये तीनों क्या है? एंटी कह रहे हैं, सॉरी, एनेस्थेटिक ड्रग है। कौन सी ड्रग है? एनेस्थेटिक ड्रग मतलब ऐसे ड्रग जो ऑपरेशन से पहले पेशेंट को दिए जाते हैं, बेहोशी के लिए पेशेंट को दिए जाते हैं। तो इसमें से जो जाइलोकेन है, मैं यहाँ पे फिगर शो कर दे रहा हूँ जाइलोकेन का, तो जाइलोकेन क्या इंजेक्शन है जो कि लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के रूप में यूज किया जाता है, पेशेंट को बेहोश करने के लिए दिया जाता है। उसी तरह से अगर सेकेंड दवा की बात करेंगे, जो दूसरी दवा है उसकी बात करेंगे, तो उस दवा के साथ में माइसिन जुड़ा होता है। अगर कोई भी दवा है उसके साथ अगर माइसिन जुड़ा है तो ये एंटीबायोटिक्स दवा होती है। एंटीबायोटिक्स मतलब कि ये एंटीबायोटिक्स दवा है, इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है, एंटीबायोटिक के रूप में इसको यूज में करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं तो एजिथ्रो, एजिथ्रोमाइसिन, फिर एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, ये सब एग्जाम्पल है। मतलब कि अगर कोई भी ड्रग है, अगर उसका लास्ट नेम मतलब कि सुफिक्स जो है माइसिन है, तो आप उसको एंटीबायोटिक के रूप में लेते हो, एंटीबायोटिक दवा है वो, एंटीबायोटिक दवा है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया एजिथ्रोमाइसिन, देख सकते हैं माइसिन जुड़ा है, एरिथ्रोमाइसिन माइसिन जुड़ा है, नियोमाइसिन माइसिन जुड़ा है। तो ये जो दवा है एंटीबायोटिक्स में दिया जाता है, एंटीबायोटिक के रूप में लेते हैं। उसी तरह से अगर नेक्स्ट दवा के बारे में बात करें तो जो भी स्टेप है मैं सिंपली बता रहा हूं, बहुत ही इजीली आप सिंपली जान सकते हो कि कौन सी दवा किस यूज में आती है। उसी तरह से अगर मैं थर्ड ड्रग को बताऊं तो इसमें जुड़ा होता है ओलोल। क्या जुड़ा होता है? ओलोल, जिसको बीटा ब्लॉकर कहते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स मतलब ये है, ऐसे पेशेंट जिनको ऐसे पेशेंट जिनको हाइपरटेंशन हो, या हार्ट की दिक्कत हो, वैसे पेशेंट को ये मेडिसिन दी जाती है। सुफिक्स में बताया ओलोल है, तो उसमें पेशेंट को
बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन दी जाती है, बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन दी जाती है। जैसे एग्जांपल में अगर देखें तो मेटाप्रोलोल हो गया, एटीनोलोल, मेटाप्रोलोल, एस्मोलोल, बीजो प्रोलोल। एग्जांपल में दिया मेटाप्रोलोल, एटीनोलोल और एस्मोलोल और बिजोप्रोलोल। तो ये जो दवा है ये हाइपरटेंशन में दिया जाता है, हार्ट की दिक्कत में पेशेंट को देते हैं। तो आप डायरेक्टली जो भी दवा का सुफिक्स है अगर ओलोल जुड़ा हुआ है दवा में तो आप जानिए कि बीटा ब्लॉकर्स है ये, ये हाइपरटेंशन में हार्ट के पेशेंट को या हाइपरटेंशन में ये दिया जाता है, ये जो दवा है इसको दी जाती है। उसी तरह से अगर नेक्स्ट जो दवा है उसको अगर देखेंगे तो कोई भी ड्रग है जिसके साथ माइड या जाइड जुड़ा हुआ है, माइड या जाइड जुड़ा हुआ है, तो ये जो ड्रग होते हैं ये ड्यूरेटिक्स में दिए जाते हैं। किसमें दिए जाते हैं? ड्यूरेटिक्स में दिए जाते हैं, मतलब ऐसे पेशेंट को दिए जाते हैं जिनके शरीर में सूजन हो गई है या ज्यादा पेशाब कराने सूजन है, फ्लेमेशन है, तो उसमें ये दिया जाता है ताकि वो दिक्कत सॉल्व हो जाए। तो फ्यूरोजेमाइड एक दवा हो गई, फ्यूरो, आप देखिए ब्यू मेटा नाइट था, जाइड है, बेंजी था जाइड। तो तीन एग्जांपल मैंने दे दिया, फ्यूरोजेमाइड, ब्यूमेटामाइड और बेंजीथाजाइड। तो बेंजीथाजाइड, तो ये तीन एग्जांपल है दवा के जिसके साथ माइड जुड़ा हो या जाइड जुड़ा हो, तो आप जान जाइएगा कि ये ड्यूरेटिक्स मेडिसिन है, ड्यूरेटिक्स में इसको दिया जाता है, पेशेंट को ड्यूरेटिक्स में दिया जाता है। बता चुका हूं कि ज्यादा यूरिनेशन के लिए पेशेंट को ये दवा देते हैं। कोई भी मेडिसिन है उसके साथ अगर वीर जुड़ा है, वीर, तो ये एंटीवायरल ड्रग है, एंटीवायरल मतलब कि ये वायरल इन्फेक्शन में दिया जाता है, तो ए साइक्लोवीर, एक रिटोनावीर, ए साइक्लोवीर, रिटोना या इंडीनावीर कहते हैं, इंडीनावीर। तो ये तीनों जो ड्रग है ये क्या है, वायरल इन्फेक्शन में पेशेंट को देते हैं। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें दिया जाता है या वायरल डिजीज है तो उसमें ये पेशेंट को देते हैं, तो इसको हम एंटीवायरल ड्रग बोलेंगे। तो एंटीवायरल का सुफिक्स क्या बता दिया मैंने, वीर। उसी तरह से अभी देखे कोरोना चल रहा था, तो कोरोना में क्या था, रेमडेसिविर बहुत ज्यादा चल रहा था, रेमडेसिविर में भी देखे तो रेमडेसिविर में वीर जुड़ा हुआ है, तो वो भी एंटीवायरल, आपको पता चल गया कि एंटीवायरल के साथ सुफिक्स में वीर जुड़ा रहता है। उसी तरह से अगर नेक्स्ट जो मेडिसिन देखे, मैंने चार मेडिसिन बता दी, पाम जुड़ा हुआ है तो ऐड देते हैं एंटी एनजाइटी में ये ड्रग देते हैं। अगर जिसके साथ जिस भी दवा का जो सुफिक्स नेम है पाम हो, अगर पाम जुड़ा हो लास्ट में पाम, तो उसको हम एंटी एनजाइटी में दिया जाता है, यानी एंटी एनजाइटी में दिया जाता है। मतलब अगर किसी पेशेंट को घबराहट हो रही हो, बेचैनी हो या नींद नहीं आती है, घबराहट हो, बेचैनी हो, तो एंटी एनजाइटी जो ड्रग है वो पेशेंट को दिया जाता है। तो उसका मैंने सुफिक्स बता दिया कि पाम अगर जुड़ा है तो उसको हम एंटी एनजाइटी ड्रग बोलेंगे, डाइजी, तो डायजेपाम या लोराजेपाम। तो ये दो ड्रग हो गया, डायजेपाम और लोराजेपाम, देख लीजिए फिगर भी यहां पे सामने आपको रखा हुआ है, लोराजेपाम और डायजेपाम। उसी तरह से अगर नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में देखें, कोई भी मेडिसिन है उसके साथ अगर जुड़ा है स्टेटिन देते हैं, स्टेटिन जुड़ा है इसको देते हैं एंटी हाइपर लिपिडेमिक्स ध्यान दीजिएगा इस पर, स्टेटिन का मतलब, अगर कोई भी मेडिसिन है उसके सुफिक्स में, उसका सुफिक्स नेम जो है स्टेटिन है, तो इसको हम यूज करते हैं एंटी हाइपर लिपिडेमिक्स में यूज किया जाता है। एंटी हाइपर लिपिडेमिक्स है क्या,
अगर कोई पेशेंट है जिसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया है, तो हार्ट का पेशेंट है वो, तो हार्ट के पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया तो उसको कुछ मेडिसिन है जिसको दी जाती है, तो उसका सुफिक्स स्टेटिन अगर है तो आप डायरेक्टली जान जाइएगा कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स ये ड्रग है, इसको कोलेस्ट्रॉल एटोरवास्टेटिन, आप देखें तो इसमें स्टेटिन जुड़ा हुआ है, एटोरवास्टेटिन मतलब इसमें उसी तरह से देखें तो सिम वास्टेटिन, तो एटोरवास्टेटिन और सिमवास्टेटिन, तो दो ड्रग का एग्जांपल मैंने दे दिया। क्या है स्टेटिन जिस भी ड्रग के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स ड्रग होती है। एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स ड्रग्स मतलब अगर ऐसे पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या हार्ट के पेशेंट है, उनको स्टेटिन किसमें दिया जाता है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स में ये मेडिसिन दी जाती है। तो जो भी मेडिसिन मैंने बताया है वो सुफिक्स नेम से आप डायरेक्टली जान सकते हो किस डिजीज में पेशेंट को वो मेडिसिन देनी है। तो जो भी मेडिसिन मैंने इस वीडियो में बताया है, आपको जानकारी हो गई कि ये सुफिक्स नेम है, इस डिजीज में इसको देना है, लेकिन फिर भी मैं आपको राय दूंगा कि कभी भी कोई भी मेडिसिन कोई भी बताए तो आपको लेने से पहले डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जो है वो पूछ लेनी है, डॉक्टर की राय ले लेनी है, डॉक्टर जो कह रहे हैं वो सुन लेना है, उसके बाद से ही पेशेंट को देना है। ये जो जनरल जो नॉलेज थी मैंने, जो मेडिसिन की जो सुफिक्स नेम थी वो मैंने आपको दे दी। आप सिंपली जो भी आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं या मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं, नॉलेज मैंने दी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको रिविजन करते रहिए, इस पर नोट्स तैयार कीजिए ताकि आपको डेली लाइफ में भी यूज में आए और आप इसको जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर भी काम में आए, कि डायरेक्टली आप ड्रग का सुफिक्स नेम देख करके आप सिंपली उसके बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी जानकारी मैंने दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं हमसे जुड़े हुए हैं या जो नए हैं वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड हैं उनके पास भी पहुंचाइए ताकि ये जानकारी सबको मिले। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस चैनल पे आपको जरूरी नहीं है कि आयुर्वेद नाम से ये चैनल क्रिएट किया गया है, आयुर्वेदिक चैनल बनाया गया है, एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा इसका नाम है, तो आपको बस आयुर्वेद की ही नॉलेज मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था, आप जैसा टॉपिक बोलोगे मैं उस टॉपिक पे आपको नॉलेज दूंगा, आपको जानकारी दूंगा। तो ये जो वीडियो है ये एलोपैथी के, इसके पहले भी मैंने एलोपैथी पे बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, तो अब जो वीडियो मैं लेकर के आऊंगा वो आयुर्वेद से रिलेटेड होगी और उसमें मैं आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में मैं दूंगा। आयुर्वेद की भी बहुत सारी दवाइयों के बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है, तो जो भी चीजें मैं बारी बारी से आपको बताते रहता हूँ तो आप हमसे जुड़े रहिए। बेनिफिट जो होगा वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो नॉलेज आपको डेली कुछ ना कुछ नया जानने के लिए मिलता रहेगा। तो